पिछले 2 सालों से जो एग्जाम रुके हुए थे 2019-2020 के, वो जैसे कराए गए हैं अभी कोरोना खत्म होने के बाद, तो अभी उनकी रिजल्ट देने हैं। तो अभी अभी एसएससी की वेबसाइट पर एक नोटिस आया है जिसमें जो 2019-20 में जो एग्जाम हुए हैं उन सबके रिजल्ट की टेंटेटिव डेट दी गई है। पहली बात है कि टेंटेटिव डेट है, मैंने देखा कि काफी डिले किया गया है रिजल्ट को, और टेंटेटिव डेट है मतलब और भी फर्दर डिले हो सकता है। मैं आपको बताऊं, जैसे CHSL जो 10+2 लेवल है 2018 का फाइनल रिजल्ट, शर्म करो भाई, ये अब आ रहा है 2021 में, 30 सितंबर को 2018 CHSL का फाइनल रिजल्ट आएगा। दूसरी बात कि CHSL 10+2 लेवल एग्जामिनेशन का जो 2019 वाला है उसका टीयर 2 का रिजल्ट है, उसके टीयर 2 का रिजल्ट भी इसी दिन आएगा। चलो कोई कोई लड़का तो ऐसा होगा जो इसमें भी है और इसमें भी है, कोई क्या सभी है, 90% है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये वाला सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड CABFS एग्जामिनेशन, इसका जो रिजल्ट है मेरे दोस्त 2020 वाला, ये भी 30 नौ को आएगा, सेम डेट, तीनों रिजल्ट एक ही दिन पे आएंगे। नौ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है कि जो अभी CHSL का पेपर कंप्लीट हुआ है टीयर 1 का, इसका जो रिजल्ट है, पेपर तो कंप्लीट हो गया कब का, ये दे रहे हैं इसका रिजल्ट नवंबर के बिल्कुल लास्ट में। और उससे भी खतरनाक बात, जो CGL का टीयर 1 का पेपर हुआ है 2020 का, मतलब पेपर तो हो गया अभी पिछले महीने खत्म 25 तारीख को, तो भाई तो इसका रिजल्ट आने वाला है भैया फर्स्ट ईयर मतलब नई साल पे, ये समझ लो ठीक है ना। तो दो दो खुशी आपके साथ मिलेंगी 31 दिसंबर को, या फिर आप समझ लीजिए कि 1 जनवरी 2022 को इसका रिजल्ट आएगा। तो आपके पास अच्छा खासा समय है, सितंबर बाकी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने तो टीयर फर्स्ट के रिजल्ट आने में, उसके बाद फिर टीयर 2 का पेपर होगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इसके बाद आपको 1 से 1.5 महीने के गैप में मेरे हिसाब से टीयर 2 का पेपर वो करा लेंगे। तो 3-3, 4-4 महीने का टाइम है अभी रिजल्ट आने में। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे हैं एग्जाम डेट की, तो मैं उनको भी बता दे रहा हूं कि CHSL का 10+2 लेवल का जो कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2019 का जो स्किल टेस्ट का है, वो एग्जाम शेड्यूल है आपका 3 तारीख को, ठीक है ना, 3 तारीख को इसका एग्जाम शेड्यूल है। दूसरी बात, GD के जो है बच्चे बहुत सारे लगे हुए तैयारी कर रहे हैं, इसकी वैकेंसी भी काफी ज्यादा हुई है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये पेपर जो है ये आपका 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक है, मतलब 2-3 महीने का समय आपके पास है, ठीक है ना, 1 महीने इसका पेपर चलेगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी ज्यादा हैं। और ये आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इसका जो टीयर सेकंड का पेपर है जो 2020 वाले बच्चे हैं उसके जो एग्जामिनेशन की डेट है वो 8 नवंबर है, ठीक है भाई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी, जो हमारा मैथ्स भाई गणप्रताप टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर देख लो कि कब कब आपके रिजल्ट की टेंटेटिव डेट है, ठीक है। धन्यवाद भाई, बाय।